धर्म में पूजा पाठ का कितना अधिक महत्व है हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, और साथ ही पूजा के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्रियों का भी विशेष स्थान है। उन्हीं में से पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है शंख। शंख जिसका पूजा में इस्तेमाल करना अनिवार्य माना जाता है। कई लोग अपने पूजा घर में शंख को रखते हैं और विशेष मौके पर इसे बजाते भी हैं। वहीं कुछ लोग शंख को अपनी रोजाना पूजा के समय बजाते हैं। माना जाता है कि अगर दिन की शुरुआत शंख की ध्वनि से हो तो पूरा दिन मंगलमय होता है। लेकिन आज की इस व्यस्तता भरी जिंदगी में लोगों ने शंख का वादन करना कम कर दिया है। मगर आज भी जो लोग शंख बजाने की महत्ता और लाभों के बारे में जानते हैं वो आज भी अपनी पूजा में शंख का वादन ज़रूर करते हैं। हम देखते हैं कि घर या मंदिर में कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम हो तो उसका शुभारंभ शंख बजाकर ही किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि किसी भी शुभ काम की शुरुआत में शंख क्यों बजाया जाता है? नहीं जानते होंगे, तो आज हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको शंख बजाने के पीछे के रहस्य से अवगत कराएंगे। मान्यता है कि घर में शंख का वादन करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है और घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार बढ़ता है। वहीं घर में शंख का वादन करने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। माना जाता है कि जिस घर में पूजा के समय शंख का वादन किया जाता है उस घर में हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि शंख समुद्र से निकलता है और माँ लक्ष्मी भी सागर मंथन से समुद्र से निकली थी। इस कारण शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है। मान्यता ये भी है कि शंख उन 14 रत्नों में से एक है जो समुद्र से निकलते हैं। साथ ही अगर आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की फोटो को ध्यान से देखते हैं तो आप जानेंगे कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ने ही शंख को अपने हाथों में धारण किया हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म में इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। और अगर आप शंख में जल भर कर रखते हैं और उससे माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं तो आप पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। और अगर उस जल का छिड़काव पूरे घर में किया जाए तो इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। वहीं बात करें शंख से निकलने वाली ध्वनि की, तो शंख की आवाज़ मनुष्य को प्रभु की भक्ति की ओर खींचती है, और जिस घर में नियमित रूप से शंख का वादन किया जाता है उस घर में कभी भी बुरी आत्माएं वास नहीं कर पाती, और शंख की मीठी मधुर वाणी से मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। इसकी पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।